प्रतिक्रिया भी आ रही है। और चलिए बीकानेर का रुख कर लेते हैं, सहयोगी लक्ष्मण नाग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, इससे पहले भी आपसे बात हो रही थी, नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई, क्या आम जन से बातचीत हो पाई मैनिफेस्टो को लेकर, वो क्या सोचते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, भाजपा के नेता हैं, साथ ही साथ शिक्षाविद हैं, इनसे हम बात करेंगे। और दरअसल देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र में सबसे बड़ी बात जो है, जो कैची लाइन है कि हम निभाएंगे, वी विल डिलीवर, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं प्रहार है जो भाजपा को लेकर लगातार बात चल रही है, जुमलों को लेकर जो कांग्रेस प्रहार कर रही थी। हमारे साथ जियाउर रहमान आरिफ है। साहब, आप कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की बात करेंगे, इसमें कतई शक शुबा नहीं है, लेकिन ऐसा क्या अलग है जो बाकी पार्टियों के घोषणा पत्र में नहीं होता रहा हो? देखिए, जैसा आपने शुरू में ही कहा कि इसकी यूएसपी है कि हम निभाएंगे, तो हम डिलीवर भी करेंगे। हम जुमले नहीं फेंक रहे हैं कि हमने 15 लाख खाते में देंगे, 72,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे, किसानों के लिए अलग बजट लाएंगे। मैं समझता हूँ किसान और युवाओं को ओरिएंटेड ये हमारी जो घोषणा है, किसान और युवाओं को ओरिएंटेड है। सुरेंद्र सिंह शेखावत भाजपा के नेता हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे जुमले नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हम निभाएंगे, पहली बात ही झूठी है इनकी। इनके नेता राहुल गांधी जी राजस्थान की विधानसभा चुनाव में आए, इन्होंने संपूर्ण कर्ज माफ़ी का वादा किया और उनके मुख्यमंत्री मुकर गए उससे बिल्कुल साफ तौर से। फिर उन्होंने नौजवानों के लिए जो है उसकी भत्ते की बात करी, उससे मुकर गए। आज 3 महीने हो गए राजस्थान में सरकार बने हुए, इन्होंने तो 10 दिन में लागू करने की बात की थी। तो बातें बहुत अच्छी अच्छी लिखी हैं, बड़ी खूबसूरती से उसको डिजाइन किया गया है, बहुत प्यारा चुरा लिया इन्होंने डिजाइन करना। हमारे साथ शिक्षाविद और आप बात कर रहे थे कि आम लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ी घोषणा है, 6% जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च होगा। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल जब चुनाव आता है तो अपनी घोषणाएं करता है, तो घोषणाओं की विश्वसनीयता उसके पूरे इतिहास को देखकर तय होती है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने आज जो भी बातें कही है, कांग्रेस का पूर्व का जो इतिहास है उसमें निश्चित रूप से उन्होंने एक्शन लिया है, और एक्शन करने के साथ साथ उन बातों को पूरा किया है जो उन्होंने कहा। आज जो उन्होंने बातें कही है, निश्चित रूप से पहली बार किसी सरकार ने जीडीपी में 6% शिक्षा के रखने की बात कही है, ये निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। शुक्रिया लक्ष्मण आपका बातचीत के लिए।